मलेशिया में इस वक्त भोजपुरी तड़का लगा हुआ है। जी हाँ, मलेशिया में आप जहाँ देखेंगे भोजपुरिया स्टार्स आपको घूमते फिरते नजर ही आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भोजपुरिया का इंटरनेशनल अवार्ड IBFA वहीं हुआ है। और जब जहाँ भोजपुरिया स्टार्स हो वहाँ न्यूज और गॉसिप ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गॉसिप बने और हम आपके यहाँ न लाए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप सभी को पता है, वहाँ भोजपुरी का हर बड़ा सितारा है सिवाय अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के। खैर, इन सब की अब्सेंस सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ अच्छा और कुछ चटपटा सुनाने वाले हैं। जी हाँ, आप सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। सिंगापुर में कोई है जो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा है, आपको तो हमारा इशारा समझ आ गया होगा। जी हाँ, नई नवेली शादी हुई, हम पवन सिंह की ही बात कर रहे हैं। हमें यकीन है आप सोच रहे होंगे कहीं हम आपको उड़ती उड़ती तो खबरें नहीं बता रहे हैं। जी नहीं, हम आपको उड़ती उड़ती खबरें नहीं बता रहे हैं, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। भोजपुरिया एक्ट्रेस कनक पांडे सिंगापुर से लाइव हुई, सिंगापुर से लाइव वो अपने भोजपुरिया सारे स्टार्स के साथ हुई थी और वही पवन सिंह मौजूद थे। कनक पांडे के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद पवन सिंह ने एक गाना गाया और वो गाना था गौरा हो तनी हंस दे न। ये गाना इस साल पवन सिंह के कावर गीतों में से एक गाना है और जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। कनक पांडे ने पवन सिंह से रिक्वेस्ट की कि एक गाना वो उनके लिए गाए, तो झट से पवन सिंह ने यही गाना कनक पांडे के लिए गाया। तब कनक पांडे ने उनसे कहा कि कोई रोमांटिक गाना गाइए। इसी बीच पवन सिंह ने उनसे कहा कि ये गाना वो अपनी पत्नी के लिए गाते हैं। उन्होंने इसी लाइव चैट में सभी के सामने कहा कि वो जब भी टाइम मिलता है अपनी पत्नी से लाइव चैट सिंगापुर से करते हैं, उनके लिए यही गाना गाते हैं कि गौरा हो तनी हंस देना। और ये गाना सुनते ही पवन सिंह की वाइफ जोर से हंस पड़ती है। ये सारी बात पवन सिंह ने कनक पांडे के साथ लाइव आकर कही। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।